हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ज़रूरी मुद्दे पर बात करने के लिए आया हूं। बात क्या है? बात यह है कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब गर्मी पड़ रही थी, गर्मी का मौसम था, मार्च के आखिरी से लेके यहां जून के आखिरी तक जो गर्मी पड़ी है, इससे पूरी दुनिया त्रस्त थी। भारत के साथ साथ दुनिया के कई सारे देशों ने गर्मी को झेला और बुरी तरीके से झेला। लगभग लगभग बहुत सारे लोग मरते मरते बचे और बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। बाकी जो लोग बचे हुए हैं, इन्होंने भी कम कष्ट नहीं झेले हैं। हम लोग जो पढ़ाई करने के लिए बैठते थे, खास तौर पर तब हम लोगों को सबसे ज़्यादा समस्या होती थी। बाकी काम तो कपड़े उतार कर और बिना कपड़ों के और किसी भी माहौल में किए जा सकते हैं, लेकिन जब पढ़ाई करने आदमी बैठता है या अपने ऑफिस में कोई काम करने बैठता है जहाँ पर दिमाग का इस्तेमाल किया जाता है, इस तरीके का काम करने के लिए जब हम लोग बैठ रहे थे, तब हो रही थी समस्या। मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, एक विद्यार्थी हूँ, और जब मैं पढ़ने के लिए बैठ रहा था तो मैं इस समस्या को महसूस कर रहा था। और मैं, मेरे साथ और मेरे जान पहचान के जो लोग हैं, मेरे करीबी जो लोग हैं जो ऑफिस में काम करते हैं और पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ काम करते हैं, कोर्ट कचहरी में काम करते हैं, इन जगहों पर काम करने वाले लोगों ने भी बताया कि गर्मी से हो रही है समस्या। क्यों? क्योंकि दिमाग काम नहीं कर रहा है। इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतना ज़्यादा ओवरहीट हो जा रही है बॉडी की, दिमाग का जो संतुलन है वो ख़राब हो रहा है। पूरी बॉडी का संतुलन खराब हो रहा था तो दिमाग का क्यों ना हो। तो इस वजह से गर्मी की से ये जो समस्या हो रही थी। लेकिन अच्छी बात ये है कि अभी कुछ दिन पहले से बारिश थोड़ी शुरू हो चुकी है और मौसम अब ठंडा हो चुका है। और हमने ये नोटिस किया है कि जैसे ही मौसम ठंडा हुआ, पढ़ाई करने भी में भी हमारा मन लग रहा है। तो मैं खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब गर्मी हो रही थी तो मैं जब पढ़ने बैठता था, मूड बनाकर आता था, मोटिवेशन एक लेकर आता था अपने अंदर से, खुद से कहता था कि चलिए पढ़ते हैं। लेकिन जब बैठता था तो एक पेज दो पेज पढ़ने के बाद ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है, पसीना चू रहा है, पंखे का भी कुछ असर नहीं हो रहा, पंखे की हवा लग रही जैसे लू, और कूलर से इतने ज़्यादा शोर होता है, इतने ज़्यादा नमी हो जाती है कि जो कॉपी और किताब के जो पन्ने हैं वो भी गीले होने लगते हैं, क्योंकि कूलर से पानी वगैरह का जो ड्रॉपलेट्स आता है, ये सारी चीज़ें समस्याएं हो रही थी। लेकिन जैसे ही मौसम थोड़ा ठंडा हुआ और माहौल थोड़ा ठंडा हुआ, अब पढ़ाई में मन लग रहा है। 3-4 दिन से मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे तक भी मैं बैठता हूँ, मेरा भाई बैठता है, मेरे जो जान पहचान के जो दोस्त हैं उनसे भी कॉल करके लगातार पूछता रहता हूँ कि पढ़ाई करने बैठती हो तो कोई समस्या होती है। कहते नहीं नहीं यार, जब गर्मी थी तब तो बहुत समस्या होती थी, लेकिन जब से मौसम ठंडा हुआ है तब से बहुत आराम है, अब पढ़ने बैठते हैं तो काम भी करने में मन लगता है। और मेरे जान पहचान के कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने ऑफिस का काम जो है वो घर से करते थे, तो वो उनको भी समस्याएं हो रही थी गर्मी में। उन्होंने तो यहाँ तक सोच लिया था कि अब पंखा और कूलर हटा के एसी लगवा लिया जाएगा, लेकिन अब मानसून आ चुका है, बारिश हो रही है, तो एसी जो है उसको कैंसिल करके अब जो है वो पंखे से काम लिया जा रहा है और दिमाग भी काम कर रहा है। तो यही दो खास बातें थी कि जो है मौसम जब ठंडा रहता है तो हम लोग एसी नहीं इस्तेमाल करते हैं, जिससे प्रकृति बचती है। दूसरी चीज़, जब मौसम ठंडा रहता है तो हमारा दिमाग भी सही रहता है। जो हमारा जो बॉडी है, जो एक ह्यूमन बॉडी है, उसको जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास चाहिए होता है। उतना टेम्परेचर में जो बॉडी है वो काफ़ी अच्छा जो है प्रोसेस करती है, अच्छा फंक्शन करती है। लेकिन जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ओवरहीट हो जाता है, तब सारी चीज़ें जो हैं वो असंतुलित हो जाती हैं, यानी संतुलन बिगड़ जाता है, बैलेंस बिगड़ जाता है। ये सारी चीज़ मैंने पर्सनली ये नोटिस किया है और आपने भी नोटिस किया होगा। अगर आपने ये चीज़ नोटिस की है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और आपने क्या नोटिस किया वही बताइए। और दूसरी चीज़, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि मौसम को ठंडा बनाने के लिए आपका सहयोग, आपका योगदान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे जैसी चीज़ें आप प्रकृति के साथ करेंगे, जैसा खिलवाड़ करेंगे या जैसे ही उसके साथ बर्ताव करेंगे, वैसा ही प्रकृति आपके साथ करेगी। तो वो जो हीट हमें दे रही थी वो दे नहीं रही थी, वो हमें लौटा रही थी, यानी वो हमें दान में या वैसे तो दे नहीं रही थी, हमने उसको दिया था इसलिए वो लौटा रही थी। तो आप जैसा देंगे वैसा वो आपको देगी। तो इसलिए ऐसा काम करिए कि सब कुछ ठंडा रहे, तब जाके हमको भी वापस ठंडी चीज़ें मिलेंगी।